Rothenstein. A magnificent strike. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में झंडे गाड़े हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि धोनी ने क्रिकेट में वो हर प्रयोग किए जिसे करने की हिम्मत आज तक कोई और नहीं जुटा पाया है। धोनी की रिस्क कैपेसिटी ने ही टीम इंडिया को कई बड़ी कामयाबियां दिलाई हैं। इन्हीं नए प्रयोगों ने टीम इंडिया को कई धुरंधर और मैच विनिंग खिलाड़ी दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं महेंद्र सिंह धोनी के वो पांच बड़े फैसले जिसने इंडियन क्रिकेट का भविष्य बदल करके रख दिया। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. Dhoni, Allah ki Dhoni. Magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the party started in the dressing room. Mahendra Singh Dhoni, एक ऐसा कप्तान जिसने इंडियन क्रिकेट की ज्योग्राफी बदल के रख दी। उन्होंने क्रिकेटर्स की काबिलियत पे उन्हें मौका दिया, सिफारिश पे नहीं, और यही वजह थी कि हर कोई धोनी का मुरीद हो गया। लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था, जब उन्होंने खेला था, मेरे को लगता था मोर ऑर लेस उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है और इसके आगे मेरे को नहीं लगता था कि वो आगे क्रिकेट खेलेंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि देखिए उसके बाद उन्होंने ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, ना उन्होंने कोई इतना ज़्यादा 2020 क्रिकेट भी नहीं। महेंद्र सिंह धोनी, या जैसे उनके फैंस उनको माही कहते हैं, ना केवल एक शानदार बैट्समैन विकेटकीपर बल्कि एक बहुत सफल कप्तान भी रहे, और एक बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली विकेटकीपर बैट्समैन और कप्तान के नाते भी। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, दो दो विश्व कप जिताने की, भारतीय टीम को टेस्ट में नंबर वन बनाने की, आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस है, चैंपियनशिप जिताने की, और आगे बढ़ा के शेर के जबड़े से जीत निकालने की प्रक्रिया शुरू। तो उनका इस मामले में तो कोई मुकाबले नहीं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही। और मैं बार बार कहता था, जब भी सब बातें उठती थी, मैं बार बार कहता था, तू ऐसे आदमी है कि जिस दिन वो समझेंगे कि हम नहीं खेल पा रहे या हम 100% गेम को नहीं दे पा रहे, उस दिन वो खुद ही मैदान से बाहर चले जाए। उस दिन उनको कहना नहीं पड़ेगा आप रिटायरमेंट लो, स्वयं रिटायरमेंट ले लेंगे। तो वही उन्होंने किया। 2007 टी20 में जोगिंदर शर्मा से आखिरी ओवर, टी20 क्रिकेट फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड कप टाइटल 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में खेला गया। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी का एक फैसला काफी चर्चा का विषय रहा, जिसमें धोनी ने हर किसी को चौंकाते हुए युवा ऑलराउंडर जोगिंदर शर्मा को ओवर दे डाला। इस फैसले ने भारत को टी20 विश्व कप जिता दिया। In the air, Srishant takes it. India wins. Unbelievable scenes here at the ball ring. 2011 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी का फैसला, मतलब नीली रंग की 7 नंबर जर्सी में धोनी ने करिश्मे की जो लकीरें खींची, अब उसके बराबर शायद ही कोई खींच पाए। लेकिन नंबर 7 का चार्म अब नहीं दिखेगा। मैच तो पहले भी होते थे, धोनी के बाद भी होंगे, लेकिन आखिर गेंद पर पासा पलटने का अब वो विश्वास नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और टीम इंडिया के चमकते सितारे महेंद्र सिंह धोनी को सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। चाहे फील्ड हो या आउटफील्ड, धोनी ने ऐसे कई फैसले लिए जिसने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी है। ऐसा ही एक फैसला दिग्गज खिलाड़ियों को ड्रॉप करना और नए खिलाड़ियों को मौका देने का था। अगस्त 2020, वक्त 7:29। ये वही समय था जब टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धोनी ने साल 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की और 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। लेकिन इस अंतराल में
धोनी ने कई जबरदस्त फैसले लिए जो धोनी की टीम को टीम इंडिया के पूर्व कप्तानों के लिस्ट में एकदम अलग पहचान देती है। उन्हीं फैसलों में से एक था सचिन, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण और सहवाग जैसे दिग्गज नामों को अपनी टीम में रखने से इनकार करना। ये साल थे 2008 और 2012 जब धोनी को ये सख्त फैसला लेना पड़ा। 2008 में धोनी ने गांगुली, लक्ष्मण, द्रविड़ जैसे नामों को जहां टीम से ड्रॉप किया, वहीं 2012 में सचिन, गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जैसे धुरंधर बल्लेबाजों को अपनी टीम में लेने से इनकार किया। धोनी के इन फैसलों की किसी ने तारीफ की तो किसी ने आलोचना, लेकिन धोनी ने सेलेक्टर्स को जो वजह बताई उन्हें काटना संभव नहीं था। नॉन परफॉर्मेंस के अलावा एक और वजह थी इन खिलाड़ियों का उम्रदराज होना, और सबसे बड़ी वजह थी कि धोनी नए चेहरों को मौका देना चाहते थे क्योंकि धोनी वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करना चाहते थे। 2012 में धोनी ने सचिन, गंभीर और सहवाग को ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही ट्राई सीरीज में लेने से इनकार किया था, जिसके बाद गंभीर का दर्द भी छलका था। 2012 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज में धोनी ने साफ कर दिया कि वो तीनों को एक साथ टीम में मौका नहीं दे सकते क्योंकि वो 2015 विश्व कप के बारे में विचार कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को 2012 में बता दिया जाएगा कि वो 2015 विश्व कप का हिस्सा नहीं होगा। सहवाग की भी गंभीर से मिलती जुलती ही प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने हमें बताया कि वो अगले विश्व कप में युवाओं को मौका देना चाहते हैं, वो कप्तान हैं और वो जो करना चाहें कर सकते हैं। धोनी का ये बोल्ड फैसला लेने की ही काबिलियत थी कि उन्होंने न सिर्फ टीम इंडिया को दो कैटेगरी में वर्ल्ड कप भी दिलाए बल्कि नई और युवा जोश से लबरेज टीम की नींव भी रखी। ये टीम इंडिया में धोनी का ही सिक्का था कि सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जैसे चेहरों को मौका मिला। आज इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा है। वाकई में धोनी का ही करिश्मा है कि आज टीम इंडिया इतनी मजबूत है कि वो जब भी फील्ड पर उतरती है तो विरोधी टीमों को सामने हार के सिवा कुछ नजर नहीं आता। धोनी ने जितने नए खिलाड़ियों को मौका दिया उनमें से ज्यादातर देश के छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। बात चाहे धोनी के साथ ही क्रिकेट को अलविदा कहने वाले सुरेश रैना की करें तो यूपी के मुरादनगर से आते हैं। भुवनेश्वर कुमार भी यूपी के मेरठ से आते हैं। कुलदीप यादव कानपुर से हैं। रविंद्र जडेजा गुजरात के राजकोट और युजवेंद्र चहल हरियाणा के गुरुग्राम से। यानी छोटे शहरों के खिलाड़ियों को धोनी ने बड़े पैमाने पर मौका दिया, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है क्योंकि धोनी खुद रांची जैसे एक छोटे शहर से आते हैं। और कैसे एक छोटे शहर के लड़के ने बड़े बड़े शहरों से आए तेज तर्रार लड़कों के बीच न सिर्फ जगह बनाई बल्कि टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान के तौर पर खुद को साबित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इंटरनेशनल क्रिकेट से धोनी ने भले ही रिटायरमेंट लेनी हो लेकिन हमारे दिलों से धोनी कभी रिटायर नहीं हो सकते। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।